फ्रैक्शन में एक बार रिवाइज करते हैं। पहली बात कैसे पहचानते हैं, सम डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनते हो, दैट मींस वो आपका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। इसके अंदर हमने फोर कैटेगरी बनाई थी, दैट इज लीनियर, नॉन रिपीटेड, यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर है वो लीनियर हो और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं करता हो। सेकेंड वन इज अ लीनियर रिपीटेड, यानी कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो और वो रिपीट करते हो। देन एक हमने किया है लीनियर क्वाड्रेटिक, एक लीनियर फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, एंड लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। इसके अंदर क्या था, dx अपॉन में ऊपर कुछ भी हो मुझे लेना देना नहीं होता, वैसे लीनियर फैक्टर बनते हो और कोई रिपीट ना करता हो। इन दैट केस आपका डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट कर जाए, यानी कि स्क्वायर हो जाए या क्यूब हो जाए। इस केस में क्या था, एक फैक्टर लीनियर हो और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक हो, तो दैट इज अ टाइप ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टाइप है कि डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है। ये कौन सा टाइप है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा टाइप है, क्वेश्चन नंबर 7 लीनियर क्वाड्रेटिक। अब ये मेरा तीसरा टाइप हो गया, दैट इज लीनियर क्वाड्रेटिक। कौन सा टाइप है, लीनियर क्वाड्रेटिक। कैसे करेंगे लीनियर क्वाड्रेटिक, प्लीज बड़े ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एबीसी फैक्टर्स को लिखना ही। 8 अपॉन में x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब लीनियर फैक्टर है वो तो a ही आ गया, लीनियर फैक्टर के लिए तो मैंने a ले लिया, स्टेप तक कोई दिक्कत, लीनियर के लिए क्या किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए वी आर टेकिंग बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो सिर्फ एक वेरिएबल नहीं लेंगे, उसके साथ दो वेरिएबल लेंगे, दैट टाइप ऑफ बी एक्स प्लस सी। सही जा रही हूँ। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो डायरेक्टली हो जाता, मतलब कभी भी आपको लीनियर क्वाड्रेटिक ही ऐसा आएगा, तीन में नहीं आने वाला, दो में ही आने वाला है। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो तो हम उसे बी एक्स प्लस सी फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। इसे मुझे क्या लेना है, वन लेना है। आगे का स्टेप बिल्कुल क्लियर होने वाला है, मैं स्टेप्स पे कह रही हूँ, थोड़े से खा रही हूँ। दैट इज बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स प्लस टू, ये मेरा जुगाड़ होता है लेकिन मुझे तो ब्रैकेट ओपन करने हैं। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। देन हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स किया तो a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, x के कोफिशिएंट में 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट है आपका 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। इसे सिंप्लीफाई किया तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसके बाद मुझे कैलकुलेट करके क्या निकालना है, ए बी एंड सी। अब आप जुगाड़ में, सबसे पहले मुझे बताओ मैं जुगाड़ में एक्स की जगह क्या रखूं, माइनस टू। जरा देखते हैं भाई, एक्स की जगह माइनस टू रखा तो इक्वल टू में तो 8 ही रहेगा। माइनस टू का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 ए, एंड इसमें रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमने जब जुगाड़ अप्लाई किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1। b की वैल्यू माइनस 1 है तो c की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो a b c, अब देखा एक जुगाड़ से वैल्यू आई, उसी के बिहाफ पे सारी पैरेलली निकलती रही, तो हमने सिर्फ जुगाड़ अप्लाई कर लिया। अब a b c आने के बाद क्या करते हैं, सेम a b c की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। पुट ए बी सी इन 1, देन इंटीग्रेट, उसके बाद उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या किया, 1, यानी कि डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2 प्लस में माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, स्पेशल इंटीग्रल्स किया है सबने, क्या करूं इसका इंटीग्रेशन, कर देंगे एक स्टेप में सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, एक में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे तो आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2। इसमें हमने डिनोमिनेटर को टी लिया, ऊपर उसका डेरिवेटिव है माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4,
एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टैन इन वर्स एक्स बाय वन बाय ए टैन इन वर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी आंसर। हाँ जी बच्चा बताइए क्लियर है लीनियर क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं। हमने पार्शियल फ्रैक्शन को स्टडी किया है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर नॉन रिपीटेड कैसे करते हैं, लीनियर रिपीटेड कैसे करते हैं एंड लीनियर क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं। ये तीनों टाइप में बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड एंड लीनियर क्वाड्रेटिक बताइए बेबी, किसी को कोई दिक्कत? पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4। अब मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का केस होगा उस केस में आपको बेबी हमेशा जो है वो पूरी इक्वेशन देखोगे कि क्वाड्रेटिक होगी, जहां पे कहीं पर भी x आपको नहीं मिलेगा। आप न्यूमरेटर भी देख रहे हो x square and something like that है। इस टाइप का केस हो, जिस टाइप में मैं डिस्कस कर रही हूँ उस टाइप का केस हो, सिर्फ और सिर्फ तभी वो चीज अप्लाई करेंगे जो अब मैं बता रही हूँ, ठीक है? अदरवाइज अगर न्यूमरेटर में सपोज x होता तो क्या करते, स्क्वायर को t लेते बेबी, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है और उसे लीनियर नॉन रिपीटेड बना देते। अगर ये क्यूब होता तब भी हम क्या करते, x स्क्वायर को t लेते और ऊपर x स्क्वायर आ जाता उसे t ले लेते, तब भी वो लीनियर नॉन रिपीटेड हो जाता। लेकिन न्यूमरेटर में x स्क्वायर है इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। बात समझ आ गई ना? वन पावर होती तब भी सब्स्टिट्यूशन करके लीनियर नॉन रिपीटेड बनाते, थ्री पावर होती तब भी सब्स्टिट्यूशन करके लीनियर नॉन रिपीटेड बनाते, फोर पावर होती तो पहले डिवाइड करके क्यू प्लस आर बाय डी करते देन अपने आगे कैलकुलेट करते। तो ये क्वेश्चन सिर्फ स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो आप इसे कैसे करोगे? अब आप कहोगे मैम इसको हम ऐसे कर लेते हैं जैसे हमने क्वाड्रेटिक में सीखा था, ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस फोर। हमने जैसे क्वाड्रेटिक में यही सीखा था ना, ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी ले लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में हम ऐसे कर लेते हैं, एक के नीचे ए एक्स प्लस बी ले लेते हैं, दूसरे के नीचे सी एक्स प्लस डी ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं ये तरीका बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इस तरीके में। अगर आप इस तरीके से ट्राई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सही तरीका है, कोई गलती नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है इस तरीके में, ये बहुत ही लेंथी तरीका है। पहली बात तो आप वेरिएबल देखते हैं ए बी सी डी, चार वेरिएबल्स इसमें आ जाएंगे, यानी कि इक्वेशंस भी आपकी ज्यादा बनेंगी, प्लस में इसमें जुगाड़ अप्लाई नहीं होगा। वो जो हमने सीखा था ना लास्ट क्लास में जुगाड़ ए बी सी डी निकालने के लिए, तो जब क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होता है तो कोई जुगाड़ भी उसमें नहीं लगेगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो मैं फिर कहूँ ये गलत नहीं है बट ये लेंथी है। क्या कहा मैंने? इसमें कुछ गलती नहीं है बट ये जो प्रोसेस है ये लेंथी वे है, इसीलिए हम इसमें ये वाला तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? जो मैं इसको कराने का तरीका करा रही हूँ इट्स अ टिपिकल वे, लर्न करना पड़ेगा इसको और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। टीचर्स को बहुत पसंद है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक देना, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बहुत ही ज्यादा पसंद है टीचर्स को, क्योंकि उन्हें पता है या तो बच्चा इस मेथड पे जाएगा, इस मेथड पे जाएगा तो आंसर तक कभी सही सलामत नहीं पहुंच पाएगा, और अगर जो मैं तरीका बता रही हूँ उसे वो याद होगा तभी वो तरीका अप्लाई कर पाएगा, ठीक है? अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं लेट करने जा रही हूँ t इज इक्वल टू x स्क्वायर, मैं क्या करने जा रही हूँ x स्क्वायर को t लेने जा रही हूँ, लेकिन लेकिन मैं उसे dt में नहीं बदल रही हूँ। That means मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं उसका डेरिवेटिव नहीं कर रही हूँ। प्लीज बड़े ध्यान से, अभी तक हम जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम उसका डेरिवेटिव करके पूरे क्वेश्चन को dt में ले जाते हैं, हम यही करते हैं ना, या dx नहीं चलाते, उसका डेरिवेटिव करके पूरे क्वेश्चन को dt में ले जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बस मैंने x स्क्वायर को t लिया है लेकिन उसे dt में नहीं बदला है। अब आप कहोगे मैम हमने पहले भी तो कहा था कि हम उसको dx ही चलने देते हैं, तब आपने कहा था ऐसा नहीं पॉसिबल,
मेबी तब इसीलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम उसके डेरिवेटिव करके यूज करते थे। यहाँ पर मैं डेरिवेटिव कर ही नहीं रही हूँ तो डेरिवेटिव का यूज ही नहीं कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल है। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया होता, dt by dx कर दिया होता, तो मुझे इसको t में ही बदलना पड़ता। पहली बात क्लियर है, टिपिकलिटी क्या है ये मुझे लर्न करना है, ये मुझे ध्यान रखना है कि मुझे x square को t लेना है लेकिन उसे dt में नहीं बदलना। अब आप कहोगे मैम इससे फायदा क्या है? बेबी इससे ये फायदा है, अब आपको दिख रहा है ये कौन सा टाइप बन गया, कौन सा टाइप हो गया ये, दैट इज a अपॉन में t प्लस 1, b अपॉन में t प्लस 2, थोड़े से मैं ब्रैकेट ओपन मतलब स्टेप्स खा रही हूँ, प्लस b इंटू टी प्लस 1। इक्वेशंस बनी a प्लस b इज इक्वल टू 1, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी आप लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना चाहें, आपकी मर्जी आप इसे जुगाड़ से निकालना चाहे, तो मैं इसे लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर रही हूँ। a की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1, ठीक है। अब a और b की जो वैल्यू है वापस से इसमें पुट कर दीजिए, यही करते। अब a और b की वैल्यू को इसी में पुट करना होता है, क्या होगा, t अपॉन में t प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 t प्लस 1 प्लस 4 बाय 3 टी प्लस 4, सही जा रही हूँ बिल्कुल। अब रिमेम्बर दैट मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन में आगे dx है, dt नहीं है, इंटीग्रेशन में आगे क्या है, dx है, यानी कि जो इंटीग्रेशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अब ये t में चल रहा है तो t में तो चलाएंगे नहीं, यानी कि पूरी इक्वेशन को पहले इन टर्म्स ऑफ x बदल देंगे, क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x बदल देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, tan इनवर्स x plus 2 by 3 tan इनवर्स x by 2 plus c is your answer। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्लियर हुआ बेबी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में मुझे x square को t लेना है। अभी तक का लौटा क्वेश्चन है कि t ले रहे हैं लेकिन डेरिवेटिव नहीं कर रहे, अभी तक मेरा कोई भी सिंगल ऐसा केस नहीं था जिसमें मैंने t लिया हो और उसका डेरिवेटिव ना किया हो, इसीलिए ये टिपिकल लर्न है कि इसमें मुझे t लेना है लेकिन मुझे dt में नहीं बदलना, डेरिवेटिव नहीं करना, dx के साथ चलेंगे, फिर प्रॉपरली लीनियर नॉन रिपीटेड की तरह चलेंगे। लीनियर नॉन रिपीटेड की तरह जब चलने के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, लीनियर नॉन रिपीटेड में चलने के बाद जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे ध्यान रखना है कि dx के टर्म्स में है, तो इंटीग्रेशन में t की जगह वैल्यू डालेंगे फिर उनका इंटीग्रेशन करके आंसर देंगे। अब बताइए बेबी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टाइप क्लियर हुआ, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 10 is integration of sin x upon में sin 4x into dx। तो हमें तो सबसे पहले जो था वो sin 4x में identities लगानी थी, तो हमने identities लगा के पहले तो simplify किया, 2 sin 2x into में cos 2x dx, then sin x upon में 2 sin x into cos x into cos 2x, cos 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होगी cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी, से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड 1 माइनस 2 sin square x, cos square x को भी हमने क्या लिख दिया, cos square x को भी हमने लिख दिया 1 माइनस sin square x, उसके बाद क्या किया 9x को t ले लिया, ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x, that is t is equal to sin x, थोड़ा सा स्टेप मैंने लिखा नहीं, ये हो जाएगा dt upon में 1 minus t square 1 minus 2 t square। देखिए अब इसे लीनियर में बना दो, that is dt upon में 1 minus t 1 plus t 1 minus root 2 t 1 plus root 2 t, linear non repeated, इसमें a minus b का whole square, इसमें a minus b का whole square, a plus b a minus b, चार बन गए, अब linear non repeated लगा दीजिए। Okay then, take care, bye.